अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद समन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मुगलाई रेशमी चिकन की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चिकन 1 kg, कैश्यू नट 1 handful, क्रीम चाहिए 1/4 cup, योगर्ट 1/2 cup, चॉप कोरिएंडर लीव्स 1/2 cup, 6 to 7 pieces ग्रीन चिली चॉप्ड, होल स्पाइसेस में हमें चाहिए सिनेमन स्टिक 1, बे लीव्स 3, 6 ग्रीन कार्डमम एंड 6 क्लोव्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 teaspoon, स्लाइस्ड अनियन 4 मीडियम साइज, गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon, कसूरी मेथी 2 tablespoon एंड लेमन 1, सॉल्ट 2 teaspoon और एज पर टेस्ट टर्मरिक पाउडर 1 teaspoon, चिली पाउडर 2 teaspoon एंड कोरिएंडर पाउडर 2 teaspoon। अब हम एक कुकिंग पॉट लेंगे और उसमें 1/4 cup ऑयल ऐड करेंगे, उसे गर्म होने देंगे और उसमें स्लाइस्ड अनियन ऐड करेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। ओके, अब मैं इसमें काजू ऐड करूँगी। ये मैंने रोस्टेड काजू लिया है, आप अगर इसको नॉर्मल काजू लें तो आप इसको 3 से 4 मिनट फ्राई कर लें ताकि गोल्डन कलर आ जाए। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें और फिर ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसका फाइन पेस्ट बना लें। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम चिकन में दही ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे, लेमन जूस, फ्रेश क्रीम, अब तमाम मसालों को हम चिकन में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन में हमने बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। अब मैं चूल्हे पर एक कोयला रख दूंगी। चिकन के दरमियान में एक एल्युमिनियम फॉइल का कटोरा बनाकर रखूंगी, उसमें जलता हुआ कोयला रखूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर ढक्कन ढककर स्मोक देंगे। इसको साइड पर रख देंगे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे और इसमें 1 cup ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे और सारे साबुत गरम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे इसमें ऐड करेंगे। तेज़पात को आप छोटे छोटे पीसेस में करके डाल दें।
अब जो मैंने काजू और प्याज का पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और फिर इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब मैरिनेट की हुई चिकन हम इस पर फैला देंगे। इसको अच्छे से फैला दिया और अब जो मसाला इसमें रह गया था उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसमें डाल देंगे ताकि ये ज़ाया ना हो। और 6 से 7 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब 8 से 10 मिनट हम इसे मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब 3 से 4 मिनट हम इसे मीडियम आंच पर फ्राई होने देंगे। अब 400 ml पानी ऐड करेंगे। इसको बॉईल आने देंगे और फिर ढक्कन ढककर 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे। मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें कसूरी मेथी जो कि मैंने भून लिया था और हाथ से इसको क्रश कर लिया, इसको इसके ऊपर फैला देंगे और 3 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तीन मिनट गुजर चुके हैं, जो चले हम इसे चेक करते हैं। मुगलाई रेशमी चिकन तैयार है। चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं। आपको मुगलाई रेशमी चिकन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद समन। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।